हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और आसान तरीके से घर पर ही वेनिला केक, जिसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी इजी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आशा करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेकिंग टिन को रेडी करेंगे, जिसमें भी आपको बेक करना है उसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और उसके बाद लेंगे सूखा मैदा और इस तरीके से उसे डस्ट करके चारों तरफ गोल घुमाते हुए फैला लेंगे। इससे हमारा केक जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इस तरीके से झाड़कर जो एक्स्ट्रा है मैदा वो निकाल लेंगे। अब लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, उसमें डालेंगे हाफ कप से दो चम्मच कम रिफाइंड ऑयल, यहाँ पर आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको निकाल लेंगे और डालेंगे इसमें एक चम्मच वनीला एसेंस, इससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक कप दूध। एक कप लिया है पर पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पहले डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे उसे। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये सारी जो गीली चीज़ें हैं पहले हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो बाउल पर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है। और अब लेंगे एक कप मैदा, इसे हमें छान लेना है। तो दो बार में मैं इसे छान लूँगी। मैदा को छानना ज़रूरी है, इससे केक बहुत ही लाइट बनता है, बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। तो इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो छानने के बाद में लेंगे पाउडर्ड शुगर, 1/3 कप लिया है हमने, और लेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर या 1/4 कप, और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। सभी चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा, और सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। तो ये हमने छान लिया है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप स्पून से या फिर फोक से किसी भी चीज़ से अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं, तो जब तक इसकी लम्स नहीं ख़त्म हो जाते हैं। और एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है, तो मैं विस्क की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा बैटर ये रेडी हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये गाढ़ा है बैटर, तो जो बचा हुआ दूध है मैं इसमें ऐड कर दूँगी और एक परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी का हम बैटर बना लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, इससे केक जो है काफ़ी स्पॉन्जी बनता है। तो 1 चम्मच डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम अपने कुकर को प्रीहीट करेंगे। गैस ऑन करके मैंने इसे रख दिया है और अब इसमें डालेंगे एक रैक, या फिर आप इस पर कोई भी प्लेट या कटोरी ले सकते हैं। और इसका जो विसल है और गैस्केट है वो मैंने निकाल दिया है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 5 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। तो अब बैटर को डाल लेते हैं अपने केक टिन में, जो हमने पहले तैयार करके रखा था। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको डाल दिया है। तो डालने के बाद में बैटर इसे अच्छे से टैप कर लेना है, ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। कुकर जो है प्रीहीट हो चुका है और काफ़ी केयरफुली इसे हमें रखना है टिन को। तो ये देखिए हमने टिन को रख दिया है। अब इसको हम कुकर को बंद कर देंगे ढक्कन को और 35 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो 35 मिनट्स के बाद में इसको चेक कर लेंगे कि केक हमारा बेक हुआ है या नहीं। तो एक नाइफ डाल करके इसे चेक कर लेते हैं। केक अभी हमारा बेक नहीं हुआ है, तो इसे हम 5 से 7 मिनट्स और बेक कर लेंगे।
दो तीन जगह आप चेक करके देख सकते हैं। तो मैं इसे 5-7 मिनट के लिए और बेक करूँगी। तो 5-7 मिनट के बाद मैंने इसे चेक कर लिया है। तो ये देखिए केक अच्छे से बेक हो चुका है 40 to 45 मिनट्स के अंदर। तो इसे बहुत ही केयरफुली निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने पर। तो ये केक हमने बाहर निकाल लिया है, इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो केक थोड़ा सा ठंडा हो गया है। नाइफ़ की हेल्प से इसके जो किनारे हैं उन्हें स्क्रेप आउट कर लेना है ताकि केक अच्छे से निकल जाए। और एक प्लेट लेंगे और उसे इस तरीके से उल्टा करके थोड़ा सा टैप करेंगे तो हमारा केक जो है बहुत इजीली निकल जाएगा। तो ये हमारा स्पॉन्ज केक बिल्कुल रेडी है, काफ़ी सॉफ्ट बना है आप देख सकते हैं। तो इसे हम 2 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तब हम इसकी आइसिंग करेंगे। मेरे पास टर्न टेबल नहीं है तो इसके लिए मैंने एक पतीले में पानी भर लिया है और ये प्लेट लगा दी है। तो ये हमारा टर्न टेबल का काम करेगा आइसिंग के लिए। तो अब अपने केक को ले लेते हैं केक बोर्ड पर। और ये आप ऊपर का जो इसका हिस्सा देख सकते हैं ये थोड़ा सा अनइवन है, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे ताकि जो केक का बेस है वो बिल्कुल इवन हो जाए। तो ये हमने निकाल लिया है, इसको आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप 2 या 3 पार्ट्स में कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, चाकू की हेल्प से इसे कट कर लीजिए। तो ये हमने देखिए कट कर लिया है 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है, इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो बोर्ड पर थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे ताकि जो केक है वो बिल्कुल अपनी जगह पे बना रहे। तो टॉप पोर्शन को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। ये मैंने 6 चम्मच पानी में 1 चम्मच शुगर डाल करके बनाया है। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है ताकि केक हमारा बहुत ही मॉइस्ट बने। इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर देंगे। तो चाकू की हेल्प से आप या चम्मच से किसी चीज़ से भी अच्छे से इसे फैला लें केक के ऊपर। तो ये हमने अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर दूसरा पोर्शन रख देंगे, जो बॉटम पोर्शन था उसको उल्टा करके रखना है और ऊपर से फिर से हम शुगर सिरप लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे। तो ये हमने लगा दिया है और क्रीम से अब बहुत ही अच्छे से चारों तरफ कोटिंग करनी है हमें क्रीम की। तो टॉप पर हमने पहले कर लिया है और अभी साइड्स पर भी क्रीम को लगाएंगे इस तरीके से ताकि चारों तरफ से जो केक है वो अच्छे से कोट हो जाए क्रीम से। तो इसे थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, तो आप इसे बहुत ही आराम से चारों तरफ कोट कर लें और बिल्कुल इवन कर लेना है इसे ताकि केक बहुत ही अच्छा दिखे और जो भी जगह थोड़ी बहुत खाली है उसमें भी अच्छे से फिल कर लेना है क्रीम को। तो मैं नाइफ़ की हेल्प से इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ और जो एक्स्ट्रा बची हुई क्रीम है उसको इस तरीके से आप निकाल लें। इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में। और ये देखिए हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे से मैंने कोटिंग कर दी है पूरी क्रीम की। और जो थोड़ी बहुत बोर्ड पर लगी हुई है उसे टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर लें ताकि जो बोर्ड है वो भी बिल्कुल क्लीन दिखे। अभी मैंने यहाँ पर डेरी मिल्क लिया है, उसको थोड़ा सा दूध के साथ में मेल्ट कर दिया है और अभी कोन में हम इसको डाल लेंगे। ये एक तरीके से चॉकलेट गिनाश ही है। तो इसको अब हम ड्रिपिंग्स बनाएंगे केक के कॉर्नर्स पे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ड्रिपिंग्स बनानी है, चारों तरफ हम बना लेंगे ड्रिपिंग। इसके बाद अब हम यहाँ पर लाइंस बनाएंगे ड्रिपिंग के बाद। तो चॉकलेट से ही इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ लाइंस बना लेनी है। और अब मैंने यहाँ पर एक टूथपिक लिया है, इस तरीके से
इस तरीके से जो है ये लाइनिंग बनानी है, तो ये डिज़ाइन बन जाएगी थोड़े थोड़े गैप पे। आप चाकू की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं। और अब केक को थोड़ा सा टर्न करके दूसरी साइड से भी इस तरीके से लाइनिंग बना लेंगे। जो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा केक। ये हमने डिज़ाइन बना ली है चॉकलेट की। अब स्टार नोज़ल की हेल्प से यहाँ पर हम क्रीम के फ्लावर्स बनाएंगे, यानी कि रोजेट्स बनाएंगे। इस तरीके से गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ बना लेना है सारे फ्लावर्स। ये मैंने सारे फ्लावर्स बना लिया है। और नीचे के छोटे छोटे स्टार्स बना लेना है, सिर्फ हल्का सा प्रेस करके ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो ये हमारे जो स्टार्स हैं वो बन जाएंगे। ये हमने स्टार्स भी बना लिए नीचे साइड में। और अभी थोड़े से स्प्रिंकलर्स हैं मेरे पास, तो वो इसके ऊपर हम डालेंगे। आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी या फिर चेरी या फिर जेम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्प्रिंकलर्स हैं। उससे भी हमारा केक बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो ये हमने स्प्रिंकलर्स लगा दिए हैं और बीच में यहाँ पर एक चेरी मैंने लगा दी है। तो ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप अपने प्रियजनों के लिए उनके बर्थडे पर या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर इसे बनाएं, और मुझे भी कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसे मैं एक बार आपको कट करके दिखा देती हूँ कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।